नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। बहुत सारे ढेर सारे रनों के बाद, बहुत सारे 200 प्लस स्कोर के बाद कल एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला ईडन गार्डन में। पिछली बार ईडन गार्डन में 250 भी चेज हो गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 150 बना पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 153 तक पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, उसमें भी कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी की। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से कल कुलदीप यादव उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। टॉस जीतकर पंत ने पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि पिछली बार जब मुंबई इंडियंस के सामने उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी तो कमाल की बल्लेबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। वही सोचकर एक बार फिर ईडन गार्डन में भी पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजों ने। अरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़े टोटल तक नहीं पहुंच पाई और सिर्फ पहुंची 153 तक। ईडन गार्डन में मुकाबला था तो दर्शकों को तो उम्मीद थी कि 200 प्लस बनेगा और मजा आएगा, चौके छक्के लगेंगे। शुरुआत जरूर की थी जैक फ्रेजर मैगर ने और पृथ्वी शॉ ने। पृथ्वी शॉ अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर शॉ का बल्ला खामोश ही रहा। उसके बाद जब विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर थमा नहीं, 3 विकेट जल्दी गिर गए। उसके बाद अक्षर और ऋषभ ने थोड़ी अच्छी साझेदारी की, लेकिन एक बार फिर उसके बाद धराशाही सी हो गई दिल्ली की टीम। वहीं जब इस छोटे से टोटल को चेज करने उतरी कोलकाता की टीम तो कोलकाता ने कमाल की बल्लेबाजी की। एक बार फिर उनके ओपनर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने कमाल की शुरुआत दिलाई कोलकाता नाइट राइडर्स को। इस बार सुनील नारायण तो धीरे धीरे खेल रहे थे क्योंकि उनको ज्यादा गेंदें नहीं मिल रही थी, लेकिन फिल सॉल्ट क्या कमाल का खिलाड़ी है। पहले तो आईपीएल में इनको किसी ने खरीदा नहीं, उसके बाद कोलकाता ने बतौर रिप्लेसमेंट इन्हें टीम में लेकर आए, उसके बाद से ये रुके नहीं है, ये थमे नहीं है और पूरी उम्मीद है कि फिल सॉल्ट अब वर्ल्ड कप भी खेलते नजर आएंगे और जिस तरीके से खेल रहे हैं ये बाकी टीमों के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करेंगे। 68 रन बनाए फिल सॉल्ट ने 33 गेंदों में। उसके बाद जरूर फिल सॉल्ट सुनील नारायण का विकेट गिरा, लेकिन फिर अय्यर ने मिलकर कमाल की साझेदारी की और कोलकाता को जीत की दहलीज के उस पार लेकर गए। कोलकाता ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया और अब अंक तालिका में दूसरे नंबर पर बरकरार है। अगर ये मुकाबला कोलकाता हार जाती तो दिल्ली की टीम दूसरे नंबर पर आ जाती, ऐसे में दिल्ली को ये हार कुछ ज्यादा ही चुभे। कल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच वरुण चक्रवर्ती को मिला, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट। वहीं आज के मुकाबले की बात करें तो आज भी एक कमाल का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। न मुंबई की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, न लखनऊ की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आज मुंबई इंडियंस जीत जाएगी तो मुंबई और लखनऊ की कहानी लगभग लगभग एक जैसी हो जाएगी, जहां एक समय लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स निश्चित रूप से टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगी, अब वहीं लग रहा है कि शायद लखनऊ भी टॉप 4 का हिस्सा नहीं रह पाएगी। हालांकि दोनों टीमों की अगर तुलना करें तो मुंबई की स्थिति बेहद खराब है, उनका परफॉर्मेंस भी खराब है, सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और किस तरह से जीते हैं हम सब जानते हैं। मुंबई की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनकी गेंदबाजी सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द चलती है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हालांकि लखनऊ के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनके सभी खिलाड़ी फॉर्म में है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। हाँ, लखनऊ की थोड़ी फील्डिंग जरूर खराब है, जॉन्टी रोड्स उनके कोच हैं, फिर भी उनकी फील्डिंग्स खराब नजर आ रही। वहीं आज के मुकाबले में उम्मीद है कि रफ्तार किंग मयंक यादव खेलते दिखेंगे, तो देखते हैं रफ्तार किंग के सामने मुंबई के बल्लेबाज क्या करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो विकेट रहती है लखनऊ की और उस स्पीड से छक्के चौके लगाना आसान नहीं हो, लेकिन देखते हैं कि आज मुंबई की जो ताकत है उनकी बल्लेबाजी आज कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं। तो देखते हैं आज जो लखनऊ के बाहर लिखा है, अदब से हराएंगे क्या, एमआई पल्टन को अदब से हरा पाएगी लखनऊ सुपर जॉइंट। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN24।